काफ़ी लंबे समय से सलमान खान के फैंस एक ऐसी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दे, और एक ऐसी फिल्म सलमान खान लेकर आ रहे हैं जिसमें ओरिजिनल स्टोरी, दमदार स्क्रीन प्ले और एक्शन और म्यूजिक ऐसा है जो हर किसी के दिल को छू ले। जिस फिल्म का टाइटल है सिकंदर, ये एक बड़ी मेगा बजट फिल्म होने वाली है। इस बात का अंदाज़ा आप इस फिल्म के इन तीन चीज़ों से लगा सकते हैं। नंबर वन, इस फिल्म को प्रोड्यूस साजिद नाडियावाला कर रहे हैं जो हमेशा से एक हाई लेवल की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। नंबर टू, फिल्म के डायरेक्टर। जी हाँ, इस फिल्म को डायरेक्ट साउथ के सबसे बड़े डायरेक्टर एआर मुगुतोस डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने आमिर खान के साथ गजनी और अक्षय कुमार के साथ होलीडे जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। नंबर थ्री, फिल्म के म्यूजिक। फिल्म में गाने और बैकग्राउंड स्कोर को बेहतरीन बनाने के लिए फिल्म में म्यूजिक का भाग रोल प्रीतम दा को दिया गया है। प्रीतम दा की म्यूजिक की बात करें तो 90s के ज़माने से इनके गाने और म्यूजिक हम सभी सुनते आ रहे हैं, जो कितने ज़्यादा बेहतरीन होते हैं ये तो आप सबको पता ही होगा। बात करें फिल्म में स्टार कास्ट की तो फिल्म में सलमान खान के साथ रश्मिका मंदाना भी नजर आने वाली है। इनके अलावा फिल्म में अक्षय कुमार भी नजर आने वाले हैं। खबरें ये भी है कि फिल्म में अक्षय कुमार विलेन के किरदार में नजर आ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फैंस की एक्साइटमेंट और भी दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि जब दो बड़े स्टार बड़े स्क्रीन पर एक दूसरे से भिड़ेंगे तो देखने में और भी ज़्यादा मजा आने वाला है। खैर, बता दें कि सिकंदर को साल 2025 में ईद के त्यौहार पर रिलीज किया जाएगा। और बात करें फिल्म के टीजर ट्रेलर की तो आपको बता दूं कि फिल्म 2025 में आएगी, वो भी ईद पे, यानी कि मार्च के टाइम में। तो उम्मीद है कि फिल्म का ट्रेलर जनवरी फरवरी महीने में हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में फिल्म के ट्रेलर को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और मूवी से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।